दूसरी चीज है इंस्टॉलेशन ऑफ एलसी गेट। जब ये सब सब सारी चीजें हो जाएगी तो अब सिग्नलिंग के तरफ से कुछ और चीजें देखना है, जो वो था IRPWM के हिसाब से एलसी गेट का इनिशिएशन में। लेकिन जब डिसाइड हो गई कि ठीक है डिसाइड करने गए हैं एक तरह से मान के चलिए, तो हमें बिंग ए एसएससी सिग्नल, सीनियर सबऑर्डिनेट या सीनियर सुपरवाइजर सीनियर काउंसिलर, मुझे ये नजर रखना है कि अब हम सिग्नलिंग के दृष्टि से कहाँ कहाँ भेजेंगे। एलसी गेट को मैक्सिमम कोशिश करना है कि रिसेप्शन के कॉलिंग में ना रखे, मैक्सिमम कोशिश करना। उसका दिक्कत क्या होती है, जैसे एक सिग्नल है, ये होम सिग्नल है, इसका स्टार्टर तक बर्थिंग ट्रैक तो ये आ गया, यहाँ से 120 मीटर कॉलिंग है। अगर 120 मीटर पे एलसी गेट आ रहा है तो क्या होगा कि बार बार सिग्नल टेकन ऑफ करने के पहले ही गेट को बंद करना पड़ेगा, आइदर इस गाड़ी को यहाँ रोकना भी है तो अननेसेसरी जो 2 मिनट गेट बंद होना था वो 15 मिनट तक बंद। पब्लिक एजुकेशन पड़ेगा, गेट एलसी गेट सेफ्टी के साथ साथ पब्लिक की फैसिलिटी के लिए भी लगाया जाता है, ये पब्लिक है, सेफ्टी के साथ साथ पैसेंजर एंड पब्लिक एमिनिटीज की भी चीजें हैं जो आम पब्लिक है उस एरिया के, उनकी सुविधा के लिए भी लगाया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक गुड्स ट्रेन को हम होम सिग्नल पे खड़ा रखे थे और इसको रिसेप्शन ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसको रिसेप्शन होने में 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट से गेट बंद रखें जबकि यहाँ ट्रेन जाना भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में कोशिश की जाती है कि हम एलसी गेट का जो प्रोविजन करें वो फॉलिंग के बाहर करें, 120 मीटर के बाहर करें। बट कुछ ऐसे जोन आए जब बाद में कुछ एक्सीडेंट हुई तो उसके बाद एक प्रोविजन और ले आया उन लोगों ने, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्योंकि फॉलिंग के बाद आप गेट को इंटरलॉक नहीं कर सकते या कर सकते हैं आप पर डिपेंड है। बट जैसे ईस्टर्न रेलवे के बारे में एक बता रहे थे कि एक दो बार एक्सीडेंट्स हुए क्योंकि वहां तो पैसेंजर बहुत अधिक रहते, पब्लिक का इंटरफेयर बहुत अधिक रहता है, तो क्या हुआ गाड़ी ट्रेन ओवरशूट करके स्टार्टर से आगे निकल गई और गेट खुला हुआ था तो बहुत भीड़ थी, कुछ लोगों का जान चली गई। तो इस केस में कहा गया कि स्टार्टर के बाद, एडवांस स्टार्टर के बाद बीच में अगर कहीं पर भी गेट हो तो इसको होम सिग्नल के साथ इंटरलॉक करना, तो यानी कि फॉलिंग में ही रखना है। तो ये फिर अपने प्रोविजन होते हैं सेफ्टी के मोड की तरफ में। बट नॉर्मली अगर आपका स्टार्टर के बाद 120 मीटर से बाहर है एलसी गेट तो उसको इंटरलॉक नहीं भी किया जाता है होम सिग्नल के साथ, बट अकॉर्डिंग टू हायर अथॉरिटी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए तरीके पे कर देते हैं। दूसरी, स्टेबलिंग लाइंस पे एलसी गेट को नहीं बनाना है। जैसे हमारे कुछ स्टेशन है जिसमें कुछ लाइन जो है वो स्टेबलिंग लाइन है। स्टेबलिंग लाइन क्या होती है कि जहाँ पे गाड़ियाँ ला के कुछ समय के लिए खड़ी कर देते हैं, चाहे वो सिक गाड़ियाँ हैं, सिक वैगन है, डैमेज गाड़ियाँ हैं या कोई लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं जिसको कुछ दिनों तक खड़ा रखना है, स्टेबलिंग लाइन पे खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एलसी गेट हमने बना दिया, एक गाड़ी 8 दिन के लिए खड़ी होगी, जब एलसी गेट यूजलेस हो जाएगा तो एसएनटी वाले इस पर प्रोविजन देते हैं कि स्टेबलिंग लाइन के ऊपर कोई एलसी गेट नहीं होना, यूजलेस अगर जरूरत है तो फिर इसके ऊपर एफओबी बनाइए या एलएचएस करिए, इसके नीचे से एलसी गेट मत बनाइए। तीसरा, कहीं भी किसी भी जगह पे मैक्सिमम प्रयास ये रहती है कि बर्थिंग ट्रैक पे, ठीक है, और ये सिग्नल ओवरलैप वगैरह पे, जितने प्रकार की ओवरलैप है इन सब चीजों में कहीं पर भी हम एलसी गेट लगाने का प्रोविजन ना करें। रीजन ये कि फिर क्या होगी कि अननेसेसरी वो पैसेंजर के साथ साथ ट्रेन भी डिटेन होगी और अनसेफ भी रहेगा, अनसेफ भी गेट रहेगा। तो कोशिश की जाती है, बट जहां आप ऐसा सिचुएशन ही आ गया, बर्थिंग ट्रैक पे तो नहीं है रहता है मे बी, यहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे एफओबी बनती है, बट सिग्नल ओवरलैप